बेसिकली इट्स अ कंबाइंड हॉल ऑफ़ वेरियस प्लेसेस सारा शुरू से ले रही हूँ ठीक है तुम आराम से चौकड़ी लगा के बैठो आधा घंटा कहाँ बैठ पाओगे ऐसे आराम से बैठो अभी आराम से पीसेस अबे यार आँख गाइज व्हाट्सअप वेलकम बैक टू माई चैनल वेलकम बैक टू अनादर वीडियो सो आज की वीडियो एक हॉल वीडियो होने वाली है और ये कोई ऑनलाइन हॉल नहीं है ये एक ऑफलाइन हॉल है जैसे खंडाला गई तो वहां से कुछ चीज पसंद आई तो वो ले ली किसी मॉल में गई तो वहां से कुछ खरीद लिया इस तरीके से एक कंबाइंड हॉल है ये सो या याट इन टू द वीडियो एंड आल स्टार्ट शोइंग यू वॉट ऑल थिंग्स दर आई गॉट और राइट सबसे पहली चीज ना बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ऐसी चीज ये वाली चीज मेरे पास कभी नहीं थी नाउ दिस इज अ बुक स्टॉपर मैं विवियाना मॉल गई थी और वहां पे एक स्टोर था प्योर होम लिविंग नाम का वहाँ पे बहुत अच्छे डिस्काउंट चल रहे थे सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई गॉड नाउ दिस इज अ बुक स्टॉपर गोल्डन कलर का है इट्स एक्चुअली लुकिंग ऑल्सो लाइक अ बुक ये ना ब्रेकेबल है लेकिन इसीलिए बहुत सस्ता भी है दिस इज आई थिंक अक्रेले या सीमेंट का है सो इट्स रियली रियली गुड थिंग अंदर से ना खोखला है इसीलिए दैट इज वाई इट्स नॉट वेरी हैवी देख रहे हो बहुत लाइट वेट है इट्स अ ब्यूटिफुल पीस इतना सुंदर इसके ऊपर पॉलिश हो रखा है सो या आई थिंक दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी डिफरेंट थिंग राइट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग विच इज ये काफी बड़ा सा एक बहुत ही ह्यूज सा पीस है ये कैंडल होल्डर है ये थोड़ा ब्लैकिश ग्रेश ब्लैकिश टोन में है ग्लास का है ऑब्वियसली ब्रेकेबल है बहुत ही सुंदर पीस है इसके अंदर आप ऐसे कैंडल कोई बड़ी सी या कोई देखो टीलाइट कैंडल्स तो इसमें समझ ही नहीं आएंगी दिखेंगी नहीं बट जैसी अभी आप देख रहे हो ना मेरे बैकग्राउंड में कैंडल जल रही है वैसी सी कैंडल इसके अंदर रख के तो बहुत सुंदर इफेक्ट आएगा और इसके ऊपर जो आप देख रहे हो ना ये थोड़ा सा क्रैक्ड ग्लास और शैटर्ड ग्लास वाला इफेक्ट है विच इज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल सो दिस इज द नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉड एंड दिस इज ऑल्सो फ्रॉम प्योर होम लिविंग ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग विच इज़ कप एंड सॉसर का सेट सो कमल और मैं खंडाला गए थे और वहां पे आप लोगों ने उस व्लॉग में अगर वो व्लॉग नहीं देखा है बाय द वे तो देख लेना मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया है तो वहां पे एक ना ऐसे क्रॉकरी और बहुत सारी ऐसी चीज़ों की ना एक शॉप थी उस व्लॉग में मैंने बोला भी है कि मैं जा रही हूँ वहां पे तो वहां पे कुछ एक दो ऐसी चीज़ें थी जो मुझे पसंद आई और मैंने ले ली सो वन ऑफ दोज थिंग्स इज कप एंड सॉसर का सेट नाउ दिस इज द कप बहुत मीडियम साइज़ का है बहुत छोटा भी नहीं है लेकिन बहुत फालतू का ह्यूज भी नहीं है परफेक्ट फॉर अ कप ऑफ टी और उसके साथ ये मैचिंग सॉसर है और इसके ऊपर ना जो मतलब प्रिंट कैसा बोलो ऐसा टाई एंड डाई टाइप वाला फील होता है ना बहुत ही रफ सा ऐसे मतलब वैसे वाला है और इट्स वेरी नाइस एंड सेंस आप लोगों को पता है कि मेरा घर में जो भी मैं ले रही हूँ कोशिश कर रही हूँ वो गोल्डन साइड uh, पे हो तो इसलिए मुझे लगा कि ये कप्स भी इसके अंदर थोड़ा गोल्डन इफेक्ट है येलो इफेक्ट है सो दैट्स वाई सो आई थॉट दिस विल गो विद द होल वाइब ऑफ द हाउस सो या दिस इज द नेक्स्ट थिंग तो नेक्स्ट चीज जो है वो है कैंडल्स और कैंडल्स uh, मेरे पास दो तरीके की हैं और दोनों ही मैंने ली हुई है प्योर होम लिविंग से बहुत अच्छी डील मिल रही थी और बाय द वे प्योर होम लिविंग पे इस वक्त भी कुछ मैंने थोड़ी देर पहले ही देखा है फोर्टी परसेंट ऑफ चल रहा है तो एक बार चेकआउट कर लेना मैं नीचे उनका वेबसाइट का ऐप का वट एवर इट इज उसका लिंक दे दूँगी तो दो मैं कैंडल्स लाई थी ये वाली ये एक बड़ी है और एक छोटी है ये है येलो कलर की मतलब हाँ गोल्डनिश इफेक्ट अगेन बिकॉज आई एम ट्राइंग कि जो भी लूँ उसमें ना हल्का सा ऐसा कॉम्बिनेशन विद द गोल्ड हो तो इसलिए तो ये दो कैंडल्स हैं और उसके बाद एक ये थोड़ी सी ज्यादा फैंसी हैं ये है अगेन सेम ब्रांड से ही है और अंदर से वाइट कलर की कैंडल है गोल्डन कलर का इसका ढक्कन है सो तो ये थी कैंडल्स जो मैं आ, प्योर होम लिविंग से लाई थी उसके बाद ये एक लैम्प शेड है जो ब्लैक कलर में इसको मैंने अभी यूज करना शुरू नहीं किया क्योंकि इस वक्त मैं जो यूज कर रही हूँ वाइट कलर का है सो तो अब मैंने क्या किया था कमल का आइडिया था बहुत अच्छा लैम्प एक ले लें शेड्स ऊपर के दो ले ले सो यू कैन चेंज तो एक में वाइट में ले आई एक में ब्लैक में ले आई तो ये वाला है ब्लैक कलर का इस तरीके से ये रहा और जो दूसरा मैं वाइट वाला बोल रही हूँ वो है ये वाला तो इसकी शेप और इसकी शेप में थोड़ा सा ही फ़र्क है ये मतलब ऊपर से भी सेम डायमीटर है नीचे से भी सेम है और ब्लैक वाला जो था उसका ऊपर से थोड़ा कम डायमीटर है और नीचे से थोड़ा सा ज़्यादा डायमीटर है दोनों ही बहुत खूबसूरत लैम्प शेड्स हैं अब इसके साथ जो मैं लैम्प एक्चुअल लैम्प लेके आई हूँ वो है ये गोल्डन कलर का सो ब्यूटिफुल एंड आई रियली लाइक इट इसके अंदर वो अलग बात है कि अभी तक बल्ब नहीं आया लगाने के लिए सजाया हुआ है लेकिन अभी तक बल्ब नहीं आया तो या दिस इज द लैम्प और ये वाले दो लैम्प ओके मूविंग ऑन बहुत ही क्यूट चीज पे अभी दिवाली आई थी कुछ दिन पहले दिवाली पे मेला लगा था हमारी सोसाइटी में व्लॉग अगर आपने नहीं देखा है कमल वाला तो वो देख लेना सो so, दिवाली वाले दिन हम लोग सोसाइटी के एक मेले में गए थे विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन सोचा चलो कुछ नहीं है वहीं चलते हैं एंड इट टर्न आउट टू बी नाइस वेरी गुड और ऑफ एक्टिविटीज गेम्स और थोड़ा बहुत शॉपिंग के लिए भी चीज़ें थी तो वहाँ पे दे वॉज अ स्टॉल जहाँ पे ये सेल हो रहा था सो so, अभी क्या है ये तीन का सेट है तो ये सक्यूलेंस है सबसे पहले तो अभी इसमें क्या है तो ये देख रहे हो बंदा ऐसे लेटा हुआ है और ये एक्चुअली उसका सर है ये बंदा एक तो इस शेप में है और एक और है ठीक है तो ये दूसरी साइड के लिए सेम बंदा लेटा हुआ है उसके बाद ये बीच वाले भाई साहब जो है ये ऐसे आराम कर रहे हैं ऐसे सेठ की तरह बैठे हुए हैं सेठ की तरह तो ये भी so, उनके बेसिकली क्या किया हुआ है सर के एरिया uh, पे सर्क्यूलेंस वाला सेटअप किया हुआ है नीचे बॉडी है वैसे के वैसे सो इट्स अ ब्यूटीफुल सेट ऑफ थ्री सर्क्यूलेंस जो मैंने अपनी विंडो पे रखे हुए हैं एंड इट्स सो क्यूट यार ओके okay, सो so, जो नेक्स्ट चीज मेरे हाथ में आई है वो भी मैंने दिवाली मेला से लिया है देर वॉज अ वेरी स्मॉल चाइल्ड मैक्सिमम आई थिंक दस साल की होगी तो वो हैंड uh, पेंट करके कुछ सामान बनाती है एंड शी वज सेलिंग दोज थिंग्स इन दैट दिवाली मेला तो मैंने झट से ये ले लिया ये एक्चुअली ज़्यादा होते तो मैं ज़्यादा ले लेती एज अ कोस्टर इस्तेमाल कर लेती या कुछ भी बट वो ये उसके पास एक ही था तो मैंने एक ही ले लिया है बहुत सुंदर है ऐसे कोस्टर टाइप का बना हुआ है एक्चुअली कुछ भी रख सकते हो आप इस पर कोई वास रखना है कुछ भी रखना है वो रख लो और उस पर बहुत सुंदर उसने ना ऐसे ट्री पेंट किया हुआ है और बहुत सारे कलर्स का इस्तेमाल किया हुआ है एंड सिंस माई सोफा इज रेड और वो गोल्डन वाला इफेक्ट तो रेड और येलो तो एकदम से मेरे को पसंद आ गया मैंने कहा ये कॉम्बिनेशन तो एकदम जाएगा हालांकि बहुत छोटी चीज़ है बट ठीक है छोटी छोटी चीज़ों से बहुत फर्क पड़ता है तो इसलिए मैंने ले लिया ओके मूविंग ऑन बैक टू पी ये दो टावल्स लिए थे मैंने वहाँ से बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं और अच्छे ऑफ पे मिल रहे थे हैंड टावल्स हैं तो जैसे बाथरूम में इस्तेमाल करने हो या बाथरूम से निकलते ही मैंने एक्चुअली इनको रखा हुआ है बाथरूम से निकलते ही लेफ्ट पे रखा हुआ है सो कभी हाथ हाथ पहुँचने और ये सब के लिए वेरी गुड क्वालिटी अगेन रेड ये सेट लिया मैंने दो का ना द नेक्स्ट थिंग इज दिस ब्यूटिफुल पीस ऑफ मैक्रोमे बहुत सुंदर है काफी डिफरेंट है व्हाइट कलर का थ्रेड इस्तेमाल किया हुआ है बैकग्राउंड के लिए और उसके ऊपर लीव बनाई है कुछ तीन चार शेड्स के अंदर ग्रीन मरून येलो एंड ऑल दैट ये मैंने खरीदा नहीं है बाय देव मैंने ना इंक्लूड कर लिया बिकॉज बहुत यूनिक पीसेस थे तो मैंने सोचा इसी हॉल में इंक्लूड कर लेती हूँ काफी टाइम से आए हुए थे और मुझे था कि यार पी आर हॉल में पता नहीं कब बनाऊंगी कब नहीं बनाऊंगी तो मैंने इसी वीडियो में इन दो प्रोडक्ट्स को इंक्लूड कर लिया और पहला है

से भेजे हुए हैं एंड आई जस्ट कुडन गिव द आउट आउट टू विश्वा एंड शी कीप्स सेंडिंग मी सच ब्यूटिफुल थिंग्स तो थैंक यू विश्वास उसके बाद मूविंग ऑन टू द मोस्ट फेवरेट पार्ट क्वेश्चन माई फेवरेट ये मैंने लिए हैं बहुत ही सुंदर क्वेश्चन ये एकदम क्या वेलवेटी वेलवेटी टाइप के क्वेश्चन हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं बट देखने में इतने महंगे लग रहे हैं एक्चुअली थे भी महंगे बट ये इतने अच्छे डिस्काउंट में मुझे मिल गए कि मैंने ले लिए आगे से ऐसे येलो है और पीछे से देखो कितनी सुंदर चीज़ है मतलब यहाँ पे बटन्स बटन से बंद होता है इट्स नॉट लाइक जिप लगी हुई है जो ट्रेडिशनल जिप लगती है अक्सर सो so ये बटन्स हैं बहुत सुंदर हैं और ये मुझे फ़िलिंग के साथ मिले थे बाय द वे दैट इज़ वाई बहुत अच्छी एकदम आ, फिलिंग हो रखी है एकदम फिटेड फिलिंग है इसका भी मैंने दो लिए तो ये दो क्वेश्चन हैं और ये फिलिंग्स पे से रिमूव हो जाएंगे तो अगर कल को मुझे इनके ऊपर कोई और क्वेश्चन कवर्स चढ़ाने हैं तो आई कैन जस्ट सिंपली रिमूव दीज क्वेश्चन कवर्स एंड इनके ऊपर मैं कोई और चढ़ा सकती हूँ मूविंग ऑन एक चीज़ है जो मुझे याद नहीं है मैंने कहाँ से लिया है एक्चुअली याद है बट नाम याद नहीं है स्टोर का वो ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चों के गेम्स वेम्स मिलते हैं पता नहीं अगर मिल गया नाम पता करके नीचे फ्लैश कर दूंगी ये एक स्पाइडर मैन का कप लिया था एक्चुअली अनु मेरी नेबर है उसकी बेटी का बर्थडे था उसके लिए कुछ लेने के लिए गए थे तो साथ में मुझे ये पसंद आया अगेन रेड था तो मेरी नज़र चली गई तो मैंने ये ले लिया सो so, यह छोटा सा ये एक्चुअली कप नहीं है पीने के लिए तो नहीं है क्योंकि ये अंदर से ऐसे मुड़ा हुआ है इस साइड से यहाँ वाली साइड से तो ये आई एम श्योर sure, सिर्फ कुछ पेन्ज वेंस ऐसे स्टेशनरी डालने के लिए होगा बट इट्स नाइस स्पाइडर मैन होता है ना ये हाँ तो ये स्पाइडर मैन बना हुआ है इसके ऊपर इट्स नाइस क्यूट बहुत सस्ता था आई थिंक सौ रुपये का था शायद गोइंग बैक टू पी एच एल एक पॉट लेके आई मैं मुझे इसका मटीरियल मत पूछना क्या है क्योंकि मुझे नहीं पता क्या है मिट्टी है पता नहीं अक्रेलिक होगा क्या होगा पता नहीं ब्लैक कलर का बड़ा खूबसूरत पॉट है ऐसे प्लेन ब्लैक है और एक उसका जो टेक्सचर है ऊपर ऐसे रफ सा टेक्सचर है इसके अंदर मीडियम साइज के प्लांट्स आराम से डल जाएंगे इफ़ नॉट वेरी बिग तो मीडियम साइज़ के और ये आप बहुत जल्दी कभी कहीं बैकग्राउंड में मेरे लगा देखोगे सो या मूविंग ऑन टू बहुत गंदा है ओके मूविंग ऑन टू दिस नेक्स्ट थिंग जो ये आउल ना आ, हाँ। बहुत बुरी चीज़ों में मैं ओके मूविंग ऑन टू दिस थिंग जो बहुत भारी है ये मैं लेके आई थी खंडाला से रुक जाओ रखने दो सो so, ये मैं लेके आई थी खंडाला से जहाँ से मैंने ये कप सेट खरीदा था जो मैंने अभी दिखाया है वहाँ से और एक्चुअली ना वो उस दिन मुझे बहुत महंगे लगे तो मैंने ज्यादा सामान नहीं लिया सामान बहुत सारा अच्छा था उनके पास बट ज्यादा नहीं लिया बिकॉज वो पता नहीं ज्यादा ऐसे नहीं मूड में नहीं था शायद देने के फिर तो भी मैंने धक्के में दो चीजें ले ली तो ये एक मैंने ले लिया है और ये भी कभी हम कभी कहीं ना कहीं इस्तेमाल जरूर करेंगे अभी ये मेरे एंट्रेंस पे रखा हुआ है क्यूट आउल बना हुआ है बहुत सुंदर सा वाइट कलर का सो या दिस इज द नेक्स्ट थिंग मूविंग ऑन टू स्पॉट्स बड़े वाले अभी इसमें क्या है ये मैं चार पॉट्स लेके आई हूँ दो सेम लेके आई हूँ और दो डिफरेंट डिफरेंट लेके आई हूँ ठीक है तो एक मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है तीन का मैं शॉट लगा दूँगी बिकॉज़ वो तीनों इस वक्त यूज़ हो रखे हैं उनमें प्लांट्स डले हुए हैं सो फर्स्ट वन इज़ दिस ये कलर कौन सा है सी ग्रीन यस और इसके ऊपर ऐसे ब्राउन कलर का ऐसे जैसे गिर रहा होता है ना पानी गिर रहा होता है वैसा वाला डिज़ाइन है और इसके अंदर ऐसे फुल साइज प्लांट भी आ जाएगा अच्छा वाला ऐसे मतलब पेड़ उगा लो चाहे इसके अंदर काफ़ी बड़ा है ये अब इसके साथ का एक और है नेक्स्ट वाला जो मैं येलो कलर का लेके आई हूँ इस दिस इज द वन इसके ऊपर ऐसे डॉट डॉट वाला डिज़ाइन बना हुआ है एंड uh, उसके बाद दो पॉट्स में सिमिलर सिमिलर नहीं एक्चुअली बिल्कुल सेम लेके आई हूँ जो कि है ये वाइट कलर के और उसके ऊपर ऐसे ये थोड़ा सा ग्रेइश टाइप के कलर का पैटर्न बना हुआ है कुछ ऐसे मैं दो लेके आई हूँ सो दीज वर द फोर पॉट्स जो मैं अपने घर के काफ़ी नज़दीक एक नर्सरी टाइप की बनी हुई है छोटी सी वहाँ से मैं पॉट्स लेके आई थी और एक्चुअली ये वाले जो इनके अंदर प्लांट्स आप देख रहे हो लगे हुए ये भी मैं वहीं से लेके आई थी अभी ये एक पॉट खाली पड़ा है इसको मैंने खाली छोड़ा क्योंकि ये मुझे लगा कभी कहीं आसपास काम आ जाएगा सो एक मैंने खाली छोड़ दिया बाकी मैंने वहाँ पे प्लेस कर दिए बाहर अपने हॉल में थिंगड टू शो यू गाइज इन दिस हॉल कोई कहीं से लिया है कोई कहीं से जिसका भी मुझे वेबसाइट मिलेगा पी एच एल का एम श्योर sure, मिल जाएगा वो तो मैं नीचे डाल ही दूंगी और बाकी तो सब मैंने ऐसे ऑफलाइन वैसे लिए हुए ऐसे कोई नर्सरी से कोई यू you नो know, सड़क के किनारे से सो so उनका तो मैं कुछ नहीं डाल सकती हूँ बट आई स्टिल टोल्ड यू किस जगह से लिए बट हाँ उससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दे पाऊंगी आई रियली होप दैट यू इंजॉयड दिस इससे कुछ अगर आपको आइडिया मिला हो तो uh, जरूर आप लोग उसको यू नो यूज कर सकते हो अपने घर के लिए एंड या दीज वर ऑल द थिंग्स दैट आई आईव टू शो यू फॉर दिस हॉल इफ यू इंजॉयड दिस हॉल देन प्लीज लेट मी नो दैट इन द कॉमेंट्स एंड आई विल सी यू गाइज सुपर सूर इन माई नेक्स्ट वीडियो नाउ तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर गाइज